चलो एक चीज़ दिखाता हूँ। जो हम गाड़ी में ये जो स्कफ प्लेट लगाते हैं, वेलकम प्लेट, जो भी चीज़ आप बोल लीजिए, ये देखिए अभी इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ गाड़ी का कि नीचे जंग लग गया, क्योंकि ये उस पर टच करता है जब मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ। 6 महीने हुए नहीं गाड़ी को और जंग भी लग गया। तो ऐसे शौक किस चीज़ के जो गाड़ी का नुकसान कर दें। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा टेपर है ब्रेजा में, और ये हर ब्रेजा में आपको मिलेगा जिसने सेम एज इट इज़ ये LED लगवाई है। तो प्रोडक्ट में दिक्कत है, ब्रेजा में दिक्कत नहीं है जो ये सेम LED लगवाते हैं। और नुकसान सिर्फ पीछे नहीं आगे भी हुआ है, इनफैक्ट चारों साइड हुआ है गाड़ी के चारों दरवाजों में। ये देखिए यहाँ भी थोड़ा टच हुई है, लेकिन यहाँ थोड़ा माइनर है, बाकी साइड्स में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो अभी मुझे क्या करना है, इन वेलकम प्लेट्स को निकालना है, इनकी जगह कुछ और लगाना है, अपना दिमाग यूज़ करके कुछ इनोवेटिव। प्लस दरवाजे मुझे थोड़े नीचे से रिपेयर कराने पड़ेंगे, कुछ पेंट कलम जो भी बोलते हैं, डेंटिंग पेंटिंग थोड़ा बहुत पेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि जंग को यहीं रोकना पड़ेगा ताकि वो फैले ना पूरे दरवाजे में। अगर आप भी ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो मेरी एक एडवाइस है, अगर आप स्किल्ड नहीं है तो ये चीज़ घर पे ना करें, क्योंकि आप पेंट को ख़राब कर लोगे इस LED को उतारने के चक्कर में। किसी प्रोफेशनल से कराएं। तो इसे उखाड़ने में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा बहुत टेप को उतारने में मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ सही हो गया। और इनकी जगह मैं कुछ अपना दिमाग यूज़ करके कुछ इनोवेटिव करने वाला हूँ, वो आप देखेंगे वीडियो के एंड में। इन प्लेट्स का शौकिया तौर के अलावा एक और यूज़ है, जब गाड़ी के अंदर पैर रखेंगे यानी कि गाड़ी के अंदर एंटर करेंगे एग्जिट करेंगे, तो ये जो पेंट है इस प्लेट के नीचे ये एरिया, यहाँ पे स्क्रैचेज आने के चांसेस होते हैं आपके पैर के द्वारा। तो उन स्क्रैचेज से बचने के लिए यहाँ पर प्लेट लगते हैं, टेपिंग करवाते हैं। जैसे अभी मैं ये करवाने वाला हूँ, मैंने इस पेंटर को सिर्फ आइडिया दिया कि मुझे ऐसा ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो उसने मेरी नीड के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन कट कर दिए, और फाइनल जो इसका रिजल्ट होने वाला है वो आप देखेंगे वीडियो के एंड में। ये रिफ्लेक्टेड टेप है जो इसके नीचे मैं चिपकाने वाला हूँ, और क्यों वो आप देख लेना। और ये मेरे चाचा जी हैं जो ये इंस्टॉल कर रहे हैं, और मेरी गाड़ी में लगभग जो पहले भी थी ऑल्टो, लगभग चीज़ें इन्होंने करी हैं, मैं भी करता था, काफ़ी कुछ सीखा इनसे। मेरी गाड़ी में मड फ्लैप भी इन्होंने लगाए थे, क्रेटा के मैंने डिज़ाइन किए इनसे ही सीख कर। तो अभी फाइनल रिजल्ट देखना है इसका थोड़ी देर में। ये ऐसा मैंने कुछ डिज़ाइन कटवाया इस कार्बन फाइबर जो ब्लैक टेप आती है, और प्लेट से ज़्यादा एरिया ही कवर करेगी गाड़ी के एंट्री एरिया के ऊपर, जिससे स्क्रैचेज आने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे, यानी बिल्कुल कम। तो ये काफ़ी कम खर्चा हुआ मेरा, इसमें लगभग सिर्फ 200 रुपये लगे हैं। नीचे रिफ्लेक्टेड टेप लगाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जब रात को इसके ऊपर दरवाजा खोलते हैं, लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, तो ये शाइन करेगा, चमकेगा, तो इसीलिए मैंने रिफ्लेक्टेड टेप लगाई। जो बाहर आप LED स्ट्रिप लेते हैं, LED प्लेट्स लेते हैं, वो पड़ेंगे 1000 का सेट, ये मुझे सिर्फ पड़ा 200 का। आप इंस्टॉलेशन उनसे कराएंगे तो ये आपको दुगना पड़ेगा, 400। मुझे सिर्फ 200 का पड़ा क्योंकि इंस्टॉलेशन हमने घर पे किया। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ फाइनल आउटपुट।